जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। अगर आप लोगों के पास Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 एंड Mi 11 Ultra ये जो डिवाइसेज है ना, तो इन सभी डिवाइसेज के लिए यहाँ पर Xiaomi कंपनी ने जो है इसके अंदर फ्री सर्विस देने का यहाँ पर कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन डिवाइसेज चारों डिवाइसेज के अंदर जो है यहाँ पर डेड के इश्यूज काफी ज्यादा थे। किसी में कैमरा डेड इशू हो रहा था, किसी में मदरबोर्ड ही यहाँ पर डेड हो जा रहा था। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर कंपनी ने अब इसकी 2 साल की वारंटी यहाँ पर बढ़ा दी है इन चारों स्मार्टफोन्स की। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम इस वीडियो अंदर यहाँ पर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज्यादा तक लोगों तक ये न्यूज यहाँ पर पहुंच सके। चलिए बिना देरी के वीडियो को अब शुरू करते हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पर पोको X3 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर जो है 6 महीने की वारंटी और यहाँ पर बढ़ाई गई थी, और इसके बाद अब दोबारा से 6 महीने की वारंटी और बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर क्योंकि इन स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर इश्यूज आ रहा है, क्योंकि रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो प्रो मैक्स, पोको X3 प्रो एंड यहाँ पर जो है Mi 11 अल्ट्रा, Xiaomi का सबसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन था 2021 का Mi 11 अल्ट्रा, 70,000 के आसपास का स्मार्टफोन था। इसके अंदर भी मदरबोर्ड के यहाँ पर इश्यूज आने लग गए। तो इस कारण ये जो चारों स्मार्टफोन है इनके अंदर जो है यहाँ पर 2 साल की वारंटी बढ़ा दी है। अब जरा वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका स्मार्टफोन बिल्कुल सही कंडीशन में, कहने का मतलब ये है कि जो बाहर जो इसकी बॉडी है उस पर कोई भी डैमेज नहीं है ना, तब तो 2 साल वाली वारंटी आप लोग यहाँ पर क्लेम कर पाओगे। अगर आपके स्मार्टफोन के ऊपर हल्का सा भी स्क्रैच लगा हुआ है ना, चाहे वो आपसे कवर से लगाओ चाहे किसी तरह भी लगाओ, अगर हल्का सा भी स्क्रैच लगा हुआ है ना, तो आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। क्योंकि Xiaomi सर्विस सेंटर में ही चलता है आजकल कि हल्की सी भी अगर स्क्रैच लगी रहती है ना, तो वारंटी को यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। तो वारंटी तो आपको मिल ही नहीं पाएगी अगर हल्का सा भी स्क्रैच वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में अगर स्मार्टफोन अगर कोई लिक्विड वगैरह गया हुआ है ना, तो उससे भी यहाँ पर वारंटी ये लोग क्लेम नहीं करके देंगे आप सभी। एंड यहाँ पर अगर आपका स्मार्टफोन हल्का सा भी बेंड हुआ पड़ा है, बिल्कुल माइनर सा यहाँ पर बेंड हुआ पड़ा है ना आपका स्मार्टफोन, तो भी आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 साल की वारंटी तो दी जा रही है, बट आपका स्मार्टफोन बिल्कुल यहाँ पर बाहर से एकदम सही होना चाहिए, उसमें कोई भी जो है यहाँ से स्क्रैच वगैरह या बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम जो स्मार्टफोन होता है ना, वो एकदम क्लीन रहना चाहिए बाहर से, उस पर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, तब आप सभी को वारंटी क्लेम होगी। बट इसके साथ एक और भी चीज समझ लीजिए कि ये किन किन लोगों को यहाँ पर वारंटी देखने को मिलेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 2021 के अंदर 1 मई 2021 को Redmi Note 10 को खरीदा यहाँ पर, ठीक है, Redmi Note 10 को 2021 के अंदर 1 मई को खरीदा एंड अभी आज यहाँ पर 31 मई 2023 है, तो अब यहाँ पर 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो इनको वारंटी नहीं मिल पाएगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जिस दिन स्मार्टफोन खरीदा है, जिस दिन, जिस मंथ, जिस साल को आपने यहाँ पर स्मार्टफोन खरीदा है ना, उससे आप 2 साल यहाँ पर ऐड कर लीजिए, उतना ही टाइम तक आपको वारंटी मिल पाएगा। एंड वारंटी के बाहर चला गया और डेड फिर भी हो रहा है, तब आपको खुद के अपने जेब से पैसे दे के यहाँ पर सही करने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम आप सभी को देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर आपने स्मार्टफोन को 1 अप्रैल 2021 को खरीदा है, 1 अप्रैल 2023 जा चुका है यहाँ पर, तो 2 साल कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, तो आप लोग वारंटी क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब यह है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो अंडर वारंटी होना चाहिए। अब आप लोग देख लीजिए कि आपने किस डेट को यहाँ पर स्मार्टफोन खरीदा है और उसमें आप 2 साल ऐड कर लीजिए, ठीक है, वहीं से आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको क्लियर समझा दिया, अगर मान लो मैंने एक स्मार्टफोन 1 मई 2022 को खरीदा है और अभी 1 मई 2023 जा चुका है, तो मेरे स्मार्टफोन को 1 साल हो गया यहाँ पर, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पर 1 मई 2021 में खरीदा और अभी 1 मई 2023 जा चुका है, तो वो 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पर आप वारंटी को क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। आपके फोन में अगर मदरबोर्ड का, कैमरा डेड का इशू आ रहा है, तो आप सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए, वहां पर जो है ना आपके स्मार्टफोन को सही करके दे दिया जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में अगर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बैंड वगैरह भी नहीं है एंड यहाँ पर आपका स्मार्टफोन जो है अगर यहाँ पर अंडर वारंटी चल रहा है, तो आपके स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में सही करके दिया जाएगा। बट जिनका अंडर वारंटी नहीं है, उनको अलग से पैसे देके यहाँ पर सही कराना पड़ेगा। बाकी अगर आपको फिर भी आपका स्मार्टफोन अंडर वारंटी में, आपका स्मार्टफोन बिल्कुल सही है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई बैंड भी नहीं है, और सर्विस सेंटर वाले अगर यहाँ पर मना करते हैं फ्री में सही करने के लिए, तो आपको यहाँ पर Xiaomi के हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं हेल्पलाइन नंबर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं एंड साथ में आप लोग ट्विटर के ऊपर भी जो है Xiaomi इंडिया को टैग कर सकते हैं। जी तो Xiaomi इंडिया सपोर्ट को टैग कर लीजिए, चाहे Xiaomi इंडिया को टैग कर लीजिए एंड साथ में मुझे भी ट्विटर के ऊपर टैग कर सकते हैं, ताकि और भी आप सभी की यहाँ पर हेल्प हो सके। अगर आप ट्विटर नहीं चलाते हैं तब बात अलग है, आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना पड़ेगा Xiaomi वालों के, और ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पर आप लोग जो है अगर आपकी यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करते हैं सर्विस सेंटर वाले, तो आपको Xiaomi इंडिया को टैग करना है ट्विटर के ऊपर, वहां से आगे का प्रोसीजर वो लोग जो है खुद यहाँ पर बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग पहले सर्विस सेंटर जाइए, वहां पर देखिए कि आपके स्मार्टफोन को सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है।
तो बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करनी थी। अगर आपके डिवाइस में इश्यूज आ रहे हैं तो सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए, वहीं पर सारा कुछ आप सभी को यहाँ पर सही करके दिया जाएगा अगर आपका स्मार्टफोन वारंटी में है तो। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो, पोको X3 प्रो या यहाँ पर आपका जो है मी 11 अल्ट्रा डेड हुआ है क्या, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद।